आज 21 दिसंबर, साल का थर्ड लास्ट डे। आपके पास अब 2 ही दिन बच गए कि आप कुछ ऐसा करो कि आपको ये 2020 याद रह सके अगर आपने कुछ नहीं किया था। सो वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल। सो अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, है ना। अभी फिलहाल मैं हॉट वाटर पीता हूँ, नया हूँ, मुझे रेडी होना है, मैंने कुछ भी मेरी पैकिंग नहीं किया। लेट्स गाइस, मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका हूँ, मुझे फटाफट एयरपोर्ट पहुँचना है। मेरा गेट क्लोज जल्दी हो गया यार, एंड आई एम ऑलरेडी स्ट्रगलिंग। मैं बाइक से इसलिए निकला हूँ कि मुझे रिटर्न में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं जाएगा। कर्फ्यू अनाउंस कर दिया था, नाइट कर्फ्यू, बट नाइट कर्फ्यू हट गया कुछ टाइम के बाद, सो आई एम ग्लैड हट गया, नहीं तो मुझे बहुत दिक्कत हो जाता है। मैं थोड़ा समय के पहले निकला था ना। सो ऑन द वे गाइस, आई विल मीट यू वंस आई रीच एयरपोर्ट। तो गाइस, एक प्रॉब्लम हो गई है, अभी पार्किंग चेंज होने की वजह से लास्ट मोमेंट में मुझे काफ़ी दूर मेरा बाइक पार्क करके आप फटाफट एयरपोर्ट जाना है। आई एम अबाउट टू मिस माई फ्लाइट, तो मैं आपको अभी डायरेक्टली एयरपोर्ट में मिलता हूँ। हाँ, खुल रही है, फोन चाहे कलेक्ट मैं बोर्डिंग पर। तो गाइस, फाइनली मैं एयरपोर्ट पहुँच गया हूँ, एंड अभी सबसे इंपॉर्टेंट काम है जाके अपना बोर्डिंग पास कलेक्ट करना। बोर्डिंग पास एज एन वेब चेक इन मैंने कर लिया, बट बोर्डिंग पास कलेक्ट करके एक बार काउंटर रिपोर्ट करना पड़ता है SLT ट्रैवल लेना, एंड मैं आपको सिक्योरिटी क्लियर करने के बाद मिलता हूँ। आप सीधा गेट नंबर 405, मुंबई गोवा, गेट नंबर 9, इसमें डिपार्चर। मैं फ्लाइट बोर्ड कर लिया है, फेस शील्ड लगाया मैंने, और हमारे फ्लाइट का लोड बहुत कम है। ये मेरा फ्रेंड था अपरार, ये मतलब जब मैं इंडिगो में यूज टू वर्क विद इंडिगो, तो मेरे काफ़ी फ्रेंड्स मुझे यहाँ पे मिले, तो टाटा वापस हो गया है, दो क्लोज होने वाले हैं। गाइज, मैं फाइनली बॉम्बे लैंड हो गया, एंड बॉम्बे के इस समय टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, एंड जब हम मॉर्निंग में निकले थे बैंगलोर में तो बड़ा ठंडी था एंड फॉग। पर अभी बॉम्बे लैंड होने के बाद घर में भी बात हो गया, तो फटाफट कैब करेंगे घर के लिए निकलेंगे। तो गाइज, मैं फाइनली बाहर आ गया हूँ, मैं मुंबई के डोमेस्टिक एयरपोर्ट में नहीं हूँ, इंटरनेशनल एयरपोर्ट में हूँ, एंड अभी मैं ढूंढ रहा हूँ ऊबर स्टैंड 6 West। देखते हैं, चल के देखते हैं, पता चल ही जाएगा भाई कहाँ है। बट ट्रैवल बड़ा सेफ था यार, वो बोलते हैं ना सेफ जर्नी, एक्चुअल में सेफ था।
थोड़ा सा भी टेंशन या डर नहीं लगा। गुड ऑल्सो इंडिगो, मैं भी आधा एयरलाइंस जो सब जो भी रूल्स रेगुलेशन अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। एक कन्फ्यूजन हो गया यार, मैं P6 में हूँ अभी, मुझे ऊबर के लिए P5 जाना, P5 का आई हैव नो डैम आइडिया। चलो देखते हैं यार और क्या कर सकते, बट वेदर इज़ वेरी प्लेजेंट, 20 degrees एज आई सेड। अभी देखते हैं कहाँ तक और ढूंढना पड़े। आई गेस कुछ लोग यहाँ से नीचे से आ रहे हैं, आई गो एंड चेक P5 कहाँ है। फाइनली गाइस कंफ्यूजन जो था थोड़ा सा वो क्लियर हुआ एंड पता चला P5 नहीं है, P7 जाना है मुझे। मैं टैक्सी स्टैंड आ गया हूँ, मैं टैक्सी फटाफट बुक करता हूँ घर के लिए निकलते। एक्चुअली मुझे चाय पीना था, कि चाय के बिना मेरा काम होता नहीं है ना, बट चाय के लिए अपने घर जाके पी। अभी देखते हैं 15 मिनट में 13 मिनट दिखा रहा है, अभी पहुंचते कि नहीं पहुंचते। बट मुंबई यार एक बात मैं बताता हूँ, मुझे मुंबई स्टार्टिंग से बहुत पसंद है। मैं जब भी यहाँ आता हूँ ना बड़ा एंजॉय करता हूँ। अभी भी आया हूँ, कोरोना जरूर है, सारा प्रिकॉशन लेके मैं थोड़ा बाहर निकलूंगा। नहीं अभी तो ऐसा है, बॉम्बे आप पूरी घूम सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, पूरा ओपन है, डरने की बात नहीं है। बस अपने घर पे जाओ तो हाथ पैर वगैरह थोड़ा स्नान कर लो, हाँ, और कुछ नहीं, डरने की बात नहीं है। हाँ। भाई लोग और एक चीज और, आप लोग ये बात आज मैंने भी नोटिस किया और मुझे फिरोज भाई ने भी बताया कि जब आप ये नॉर्मली अभी क्या हो रहा है, सारा डोमेस्टिक फ्लाइट इंटरनेशनल, ये इंटरनेशनल टर्मिनल में लैंड हो रहा है, वहाँ से क्या हो रहा है P7 पार्किंग बहुत सारे लोग पुराना जो अपना जो डोमेस्टिक ये टर्मिनल है यहाँ के लिए बुकिंग बना देते और कैब का वेट करते बहुत देर तक। सही बात है। तो आप लोग याद रखो, अगर आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ये लैंड हो रहे हैं, जो नया एयरपोर्ट अभी बॉम्बे का बना है, तो आप P7 पार्किंग में जाओ, आपको वहाँ पे ओला उबर में ट्रैवल करना है तो आप वहाँ पे जाके आप अपना कैब बुकिंग करके ट्रैवल कर सकते हो, वो ईजी रहेगा आपको, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो फाइनली हम हमारे लोकेशन में पहुंच गए, लिफ्ट लेके फटाफट जाते और मिलते हैं सबसे। अरे मेरे पास चाबी है, रुको रुको, अरे रुको मैं खोल रहा हूँ दरवाजा। हेलो, मुझे सीधा बाथरूम में जाने दो, मैं फ्रेश होता हूँ पहले।